द सूत्र ने आपको खबर दिखाई थी कि प्रदेश सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक तरफ इस खबर से बेरोजगार खुश हो रहे होंगे तो दूसरी तरफ सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि ग्रेड 4 के पदों पर सरकार स्थायी भर्ती नहीं करेगी। सरकार ग्रेड 4 के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखेगी। अब सरकार के इस फैसले से 40,000 से ज्यादा स्थायी कर्मी और 38,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। अब स्थायी कर्मियों को ये चिंता है कि आखिर उनका क्या होगा। स्थायी कर्मियों का कहना है कि 2016 में भी कोर्ट ने उन्हें नियमित करने का निर्देश दिया था, पर सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। आपको बता दें कि प्रदेश में 40,000 से ज्यादा स्थायी कर्मी और 38,000 से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो पिछले 30 सालों से सेवा दे रहे हैं। ये नियमित होने के लिए आस लगाए बैठे हैं, पर सरकार इन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने जा रही है। अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देने की बात कही है। इनका ये भी कहना है कि जब सरकार ने 5 साल के भर्ती शेड्यूल से स्थायी कर्मियों को पूरी तरह बाहर कर दिया है तो सरकार ही ये तय करे कि कितने प्रतिशत पदों पर स्थायी कर्मी को नियमित किया जाएगा। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।